मतलब एक ट्रायंगल मतलब क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी है। आप क्या करेंगे, देखेंगे क्या है, ये एक ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी। ओके, इस लाइन पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो ए बी सी क्या था, ए बी सी। ओके, इस पे पॉइंट है डी एंड ई। डी एंड ई क्या है, डी एंड ई। ओके, फिर समझो डी एंड ई रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी बी सी, यानी डी बी सी क्या है, डी बी सी। एंड फिर क्या है, एंगल ई सी बी, ई सी बी यानी इन कहां पे मीट कर रहा है। ओके ओके, अब क्योंकि मान लो ए बी डी इज अ लाइन गिवन, यहां पे क्या लिखना है बेटा, गिवन ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, क्या लिखना है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ओके, ए बी एंड ए सी, यस कमेंट, ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस ऑन अ, ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस ऑन अ, प्रोड्यूस ऑन अ डी एंड ई। अब बेटा इसको हम लोग कंसीडर करेंगे ए बी डी एक लाइन मान लेंगे। ओके, एंड इफ कंसीडर ए बी डी इज अ लाइन। ओके, क्या कंसीडर करेंगे बेटा, ए बी डी क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे देखिए ए बी डी को क्या कंसीडर करेंगे, लाइन। ओके, तब क्या हो जाएगा, एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल सी बी डी, एंगल बी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, किसके बराबर हो जाएगा, बाई लीनियर पेयर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि अब देखो यहाँ पे बाइसेक्टर है, वो भी क्या है, वो भी क्या है बेटा, वो भी इज अ बाइसेक्टर, वो भी क्या है, बाइसेक्टर है। तो एंगल, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, अगर वो भी बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ना। द एंगल सी बी ओ, आप एंगल सी बी डी को एंगल सी बी ओ लिख सकते हैं ना, है 1/2 एंगल बी प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। फिर क्या आ जाएगा, 1/2 एंगल सी बी ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल बी। कोई दिक्कत यहां तक, अब ए सी ई को लाइन कंसीडर करिए, किसको कंसीडर करिएगा, ए सी ई को लाइन कंसीडर करिए, किसको, ए सी ई इज अ लाइन। तो दिक्कत, द एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल क्या करिएगा, डी सी, नहीं नहीं ई बी सी ई, एंगल सी बी सी ई। ओके, एंगल सी प्लस एंगल बी सी ई आपका क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ओके, यहाँ पे देखिए इस एंगल को अगर कंसीडर करेगा क्या आ जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल सी बी सी ई। ओके, ये एंगल, ओके एंगल बी सी ई किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, ये चूंकि अब क्या है, ओसी क्या है बेटा, बाइसेक्टर है, ओसी क्या है, बाइसेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ये एंगल के बराबर हो जाएगा ना, है ओसी क्या, बाइसेक्टर है, तो हम लोग लिख देंगे कि एंगल यहां पे लिखिएगा क्या, एंगल सी। ओके, एंगल सी प्लस 1/2 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल बी सी ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, 90 डिग्री।
आया ना। एंड हाफ एंगल सी बी ई को हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ओ सी ई, एंगल ओ सी ई लिख सकते हैं ना, हाफ एंगल बी सी ई को एंगल ओ सी ई लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेटा ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, एंगल बी सी ई के बराबर होगा। तब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 एंगल सी प्लस एंगल ओ सी बी, क्या लिखेंगे, एंगल ओ सी बी इक्वल टू क्या जाएगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत। एंड अब इसको क्या लिखेंगे, एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल सी। ओके यहां तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब इसी चीज को यहां पर हम लेके चलते हैं। ओके अब ट्रायंगल बी ओ सी, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी देखेंगे, क्या देखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी देखेंगे। ओके तब क्या लिखेंगे, एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी, ओके इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, बिकॉज सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल सी बी ओ का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए एंगल सी बी ओ का 90 डिग्री माइनस एंगल बी, ओके कितना आया है ना, और एंगल ओ सी बी का वैल्यू कितना आया है, 90 डिग्री माइनस प्लस एंगल बी ओ सी, यहाँ का जीरो का तीव्र ठीक है, प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत। ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 90, यहाँ पे लिखिए 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री हो जाएगा ना, एंड द 180 डिग्री माइनस 1/2 180 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी, ओके माइनस 1/2 एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा, कोई दिक्कत, इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा ना बेटा, 180 डिग्री कैंसिल हो गया, तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना गया, एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना गया, 1/2 एंगल बी प्लस एंगल सी, आ गया कि नहीं आ गया। एंड ये समझे कि हाफ ऑफ माइनस हाफ एंगल बी एंगल सी कैसे आया, क्योंकि ये भी माइनस में थे, सब एक्सेप्ट कर दिए। ओके 90 प्लस 90 जोड़ दिए और फिर यहाँ से क्या हुआ, 180 डिग्री कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अब बेटा यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब देखिए एंगल बी ओ सी बराबर कितना आया, 1/2 एंगल बी प्लस एंगल सी आया ना। अब देखिए यहाँ पे हाफ एंगल ए क्या करेंगे, जोड़ देंगे और हाफ एंगल ए माइनस कर देंगे। ओके तो यहाँ पे क्या लिखेगा, एंगल बी ओ सी बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 एंगल ए प्लस एंगल 1/2 एंगल बी लिख सकते हैं ना, गुणा कर देंगे तब, प्लस एंगल हाफ एंगल सी माइनस 1/2 एंगल ए। अगर इसको इसको काट दिएगा तो हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तब देखिए अब इसमें अब इतना तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी माइनस 1/2 एंगल ए, कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है बेटा 180 डिग्री। एंगल बी ओ सी यहाँ देखिए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एंगल बी ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। ओके तब यहाँ से क्या करेंगे कि 1/2 इंटू 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए, टू टू से कट गया तो कितना आ जाएगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री 1/2 एंगल ए, रुक कैसा रहा, सही रहा ना, बंद कर दो।